नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन यानी सीटू के बैनर तले शहर के रणधीर वर्मा चौक पर 7-8 जनवरी को 2 दिवसीय जन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी प्रदर्शन और धरना दिया गया। हमारा केंद्र सरकार से मांग है, जो 3 कृषि कानून बनाया गया है वो देश का किसान और देश के कृषि के विरोध में है, उसे वापस लिया जाए। जो लेबर कोड 4 बना है उसे निरस्त किया जाए। बिजली अधिनियम 2020 को वापस लिया जाए। आयकर के बाहर देश में जितने लोग हैं, प्रत्येक परिवार को अभी इस संकट के समय में 7500 रुपया महीना दिया जाए। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग एवं निजीकरण तथा देश में निजीकरण को पर रोक लगाया जाए। प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार को 10 किलो का अनाज सुनिश्चित किया जाए। देश में सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा एवं देखभाल का गारंटी किया जाए एवं सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का गारंटी किया जाए। नई पेंशन जो योजना है उसे समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, जो चल रहा था उसी को बहाल रखा जाए। और नरेगा के तहत प्रत्येक को कम से कम 700 रुपया का मजदूरी एवं प्रत्येक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 200 दिन का सालाना रोजगार के साथ साथ इसे शहरी क्षेत्र में भी लागू किया जाए, ताकि रोजगार का ये जो भयंकर संकट है सभी को रोजगार मिल सके। यही हमारा आज का कार्यक्रम है। बीते नवंबर को सिंदरी FCI कंपनी के मुख्य द्वार पर रोजगार की मांग कर रहे ग्रामीणों पर प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था और इस घटना में कई लोगों को जेल भी भेजा गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सुंदरी देवी ने कहा कि ग्रामीणों की जायज मांग को कंपनी गलत बताकर मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। धरना में बैठने का ये है कि हम लोग का वार्ता होता सब हो चुकी है, इसके बावजूद कंपनी के कुछ आदमी आकर के हम लोग से मतलब गाली गलौज करने लगे और हम लोग को जेल से लाठीचार्ज किया। कंपनी का अंदर में भी जाकर के हम लोग को मारा है ले जाकर। वहाँ का बेरोजगार ग्रामीण है, वो मुद्दा लेकर के हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। और ये मतलब कंपनी ना सोच ले कि हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं लेंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेंगे। हम लोग जेल तो जा ही चुके लेकिन अपना जो हक अधिकार है उसके लिए हम लोग और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं।